गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे इज 8th मई एंड दिस इज मैथ्स लेक्चर फॉर क्लास 9th स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू डिलीवर 26th लेक्चर एंड इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस पॉलिनोमियल्स। सो इन टुडेज लेक्चर वी विल स्टार्ट डिस्कशन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4 ऑनवर्ड्स, एक्सरसाइज 2.4 एनसीईआरटी। सो इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फैक्टराइज एंड यू कैन सी योर पॉलिनोमियल इज क्वाड्रेटिक हियर इन बोथ द क्वेश्चन। सो इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वी विल यूज मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। क्या यूज करते हैं हम लोग यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो इसके लिए तुम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर लो, 12 इंटू 1, 12, एंड वी हैव टू ब्रेक 12 इन टू कॉम्पोनेंट्स। इसको दो कॉम्पोनेंट में ऐसे ब्रेक करना है कि उसका सम या डिफरेंस -7 आ जाए। तो मान लो मैंने 12 को लिखा 4 इंटू 3, और अगर आप इसको -4 और -3 लेते हो तो -4 -3 -7 यहाँ बन जाता है। तो ऐसे ही ब्रेक करना है। देखो फर्स्ट पार्ट है 12x² - 7x+1, सो वी विल राइट दिस एज 12x², और हमें स्प्लिट कर दिया -4 और -3, मतलब -4x और -3x में +1। नाउ फ्रॉम दिस टू वी कैन कंसिडर 4x कॉमन, व्हाट विल गेट 3x-1, एंड फ्रॉम दिस टू विल कंसिडर -1 कॉमन, यू विल गेट 3x-1। सो 3x-1 कॉमन कर लो, क्या बच गया 4x-1। सो दिस इज योर आंसर फॉर फर्स्ट पार्ट। फैक्टराइज करना था और ये इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स आ गए, 3x-1 × 4x-1 हमने फैक्टराइज कर लिया है। ओके चलो फोर्थ पार्ट देखें, यहाँ पर क्या है फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट पर लिखा है 3x² - x - 4। तो आप फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करो, थ्री कोफिशियंट ऑफ x² एक्चुअली कोफिशियंट ऑफ x² एंड कांस्टेंट और -4 है, इसको हमें मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये आ गया -12। नाउ वी हैव टू स्प्लिट -12 इन सच अ वे दैट विल गेट -x। तो मान लो 4 और 3 लिखा, तो हमें -12 भी रखना है, मतलब साइन अपोजिट होना चाहिए, और -x करना है। तो आप -4 कर लें × 3। अब देखो -4 + 3 करोगे तो -1 आ जाएगा, -1 चाहिए हमें, एंड -4 × 3 - 12 तो रहना ही चाहिए। बात समझ गए, ये तो -12 तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो -12 को -4 × 3 लिखने पर -4 + 3 - 1 आएगा। तो फैक्टर्स मिल गए, कंपोनेंट्स मिल गए इस तरीके से। तो इसको 3x² एंड इन प्लेस ऑफ -x आप लिखोगे -4x + 3x, -4x + 3x। बात समझ में आ गई। चलो इन दोनों में कॉमन कर लें, क्या कॉमन है x, तो बना 3x - 4, इन दोनों में +1, 3x - 4, ठीक है। कुछ कॉमन नहीं, मतलब 1 कॉमन कर लो, तो 3x - 4 यू कैन कंसिडर आउट साइड एंड देन x+1, 3x - 4 × x+1। सो इट इज़ क्वाइट ईजी टू फैक्टराइज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड हम लोग बोलते हैं इसको। देखो मैंने फर्स्ट और फोर्थ पार्ट एक्सप्लेन किया है, रेस्ट ऑफ द पार्ट तुम होमवर्क में करोगे। मैं क्लासरूम ऐप पर एक्सरसाइज और इसके आंसर की अपलोड कर दूंगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है। सी दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट। वी हैव ए क्यूबिक पॉलिनोमियल हियर, x³ - 2x² - x+2। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है और इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को हमें फैक्टराइज करना है। तो जो हमारा बेसिक अप्रोच होता है, जो क्वाड्रेटिक पर हम लोग यूज़ करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, यहाँ पर अभी ये यूज़ नहीं हो पाएगा। हमें इसके एक फैक्टर हीट एंड ट्रायल अप्रोच से पता करने होंगे। ये हीट एंड ट्रायल अप्रोच क्या होता है? जैसे कि मान लो अगर हमने एक्स की कोई वैल्यू रखा यहाँ पर, सपोज वी आर गोइंग टू पुट x = 1, और x = 1 पुट करने के बाद अगर आउटपुट 0 आ जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे कि x = 1 इसका एक सॉल्यूशन है, और अगर x = 1 सॉल्यूशन है तो x - 1 इज़ ए फैक्टर। बात समझ में आ रही है? इफ़ x = a इज ए सॉल्यूशन, तो इसका क्या मतलब है? इफ़ x = a इज ए सॉल्यूशन का मतलब, इफ़ x = a इज वन ऑफ द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल तो x - a इज ए फैक्टर। बात समझ में आ गई? अगर x = 1 रखने पर 0 नहीं आया तो आप x = -1 रख के देखो। अगर उस पर x = -1 अगर रखने पर 0 आ जाता है तो -1 को आप लेफ्ट साइड भेजोगे तो तुम्हें x + 1 फैक्टर दिखेगा। x + 1 एक फैक्टर है। सपोज 1 या -1 पुट करने पर 0 नहीं बना तो आप +2 पुट करके देखो, उस पर 0 बन जाए। अगर x = +2 पुट करने पर 0 बन रहा है तो 2 को आप इधर भेजो, x - 2 फैक्टर बन जाएगा। तो
हम प्लस वन माइनस वन प्लस टू माइनस टू प्लस थ्री माइनस थ्री ऐसे पुट करके देखेंगे, कोई ना कोई एक पर जीरो बन जाएगा, हमें एक फैक्टर तो पता लग ही जाएगा। बात समझ में आ गई। अब कई बच्चों को ऐसा लग रहा होगा, स्टूडेंट्स को, कि ऐसा कब तक पुट करेंगे। तो नॉर्मली जो क्वेश्चन आएगा हमें फैक्टराइज करने के लिए, वो तुम्हें प्लस वन से तुम्हें स्टार्ट करोगे तो प्लस वन माइनस वन प्लस टू माइनस टू हार्डली प्लस थ्री माइनस थ्री तक तो तुम्हें आइडिया लग जाएगा, इसके एक जीरोज मिल जाएंगे, वहाँ से हमें एक फैक्टर मिल जाएगा। फिर उस फैक्टर से हम गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड कर देंगे तो हमें दूसरा फैक्टर इसका पता लग जाएगा। चलो देखें कैसे सॉल्व होगा। मान लो ये पॉलिनोमियल है, पी ऑफ एक्स है, एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू। हमने सबसे पहले सोचा एक्स इक्वल टू वन पुट कर दें इस पर, वन तो ये वन क्यूब वन माइनस टू इंटू वन स्क्वायर, इस तरीके से माइनस वन प्लस टू। फटाफट चेक करो क्या है, वन ये माइनस टू इंटू वन स्क्वायर माइनस टू इंटू वन माइनस टू माइनस वन प्लस टू, ये बन गया जीरो। देखो माइनस थ्री प्लस थ्री जीरो बन गया, तो जीरो बन गया। इसका मतलब क्या है, एक्स इक्वल्स टू वन इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज अ जीरो ऑफ पी एक्स, एक्स इक्वल्स टू वन इज अ जीरो ऑफ पी एक्स। इसका मतलब है एक्स माइनस वन इज वन फैक्टर, एक्स माइनस वन इज वन फैक्टर ऑफ पी एक्स। अच्छा तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसके कितने फैक्टर होंगे, बहुत ईजी अंदाज़ा लगाना। इसकी डिग्री देखो, इसकी डिग्री कितनी है, थ्री है, डिग्री थ्री है तो इसके थ्री फैक्टर होंगे। क्लियर, तो एक फैक्टर तो पता लग गया। अब हम लोग यही अप्रोच कंटिन्यू नहीं रखेंगे, ओनली टू फाइंड वन फैक्टर वी विल यूज़ हीट एंड ट्रायल, सिर्फ एक फैक्टर फाइंड करने के लिए। जैसे ही हमें एक फैक्टर पता लग गया, व्हाट वी विल डू कि वी विल डिवाइड गिवन पॉलिनोमियल बाय दिस फैक्टर एक्स माइनस वन। तो गिवन पॉलिनोमियल को यहाँ से नोट कर लो, एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू, और गिवन पॉलिनोमियल को जो फैक्टर पता लगा है उसे आप डिवाइड करो, इसे डिवाइड करो। तो डिवाइड करोगे तो एक्स क्यूब, यहाँ एक्स क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर लिख दो, तो क्या बनेगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, ओके माइनस प्लस ये कैंसिल हो रहा है, माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज माइनस एक्स स्क्वायर देन माइनस एक्स प्लस टू। बात समझ में आ गई। अब देखो ये माइनस एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर एक्स है, तो आप यहाँ माइनस एक्स लिखो, यू विल गेट माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स, ये तो डिवाइड हो रहा है, ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव ये कैंसिल हो गए, व्हाट यू विल गेट माइनस टू एक्स प्लस टू। अब क्या करना चाहिए, माइनस टू एक्स प्लस टू, यहाँ पर माइनस टू कर दो, तो यू विल गेट माइनस टू एक्स माइनस टू एक्स एंड माइनस माइनस प्लस टू माइनस माइनस प्लस टू, सो पॉजिटिव निगेटिव दिस कैंसिल आउट, यू विल गेट जीरो, यू विल गेट जीरो, ओके। सो हम लोग इसको लिख सकते हैं, हाँ, एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू को वी कैन राइट एक्स माइनस वन इंटू कोसेंट, जो कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू आया, रिमाइंडर है जीरो प्लस जीरो, ठीक है। तो तुम्हें देखो, तुम्हें एक फैक्टर तो एक्स माइनस वन पता लग गया, ये क्या है, ये देखो एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, तो वी नो वन फैक्टर। अनदर फैक्टर भी आ गया, ये क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक को तो हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं इजीली। चलो ये इसको फैक्टराइज कर लें, अभी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू है, अब क्या करोगे यहाँ पर, तो माइनस टू एक्स प्लस एक्स कर लें इस तरीके से, सो एक्स माइनस वन इंटू एक्स कॉमन एक्स माइनस टू प्लस वन कॉमन एक्स माइनस टू, तो वी विल गेट एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन, एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन, समझ गए। सो दिस इज आवर एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू, और ये हम लोगों ने फैक्टराइज कर लिया इसे। सो दिस इज प्रोसीजर हाउ टू फैक्टराइज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक बार वीडियो को बैक करके आप वापस देखो, टू टाइम्स वॉच करो इसको, टू टाइम्स देखो, अभी ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलो इस पर एक क्यूबिक को और फैक्टराइज करके देखें अभी, ओके चलो देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखो अभी ये थर्ड फिफ्थ क्वेश्चन पर थर्ड पार्ट है, फैक्टराइज करना है हमें एक्स क्यूब प्लस थर्टीन एक्स स्क्वायर प्लस थर्टी टू एक्स प्लस ट्वेंटी, ठीक है। तो अगेन हम लोग हीट एंड ट्रायल अप्रोच फॉलो करें। मान लिया हमने, अभी तो सभी टर्म्स पॉजिटिव साइन के साथ हैं, तो आप पॉजिटिव लोगे तो जीरो तो बनेगा नहीं, तो कॉमन सेंस है, सभी में साइन पॉजिटिव लगा हुआ है। अगर आप पॉजिटिव लोगे एक्स की वैल्यू, वन लो टू लो थ्री लो, तो पॉजिटिव बढ़ता ही जाएगा, जीरो आएगा ही नहीं। इसका मतलब कोई निगेटिव वैल्यू हमें यहाँ पर लेकर के यहाँ पर देखना चाहिए क्या हो रहा है।
ठीक है ना। तो चलो इसे फैक्टराइज करते हैं, एक्स क्यू प्लस 13x² प्लस 32x + 20। मान लिया हमने पुट कर दिया x इक्वल टू -1, ये हमारा पी एक्स है। एक्स क्यू प्लस 13x² प्लस कितना 32x प्लस 20, तो x इक्वल टू -1 रख के देखें, -1³ प्लस 13 × -1² प्लस 32 × -1 प्लस 20 कितना बना, नेगेटिव टू द पावर और नेगेटिव 1³, नेगेटिव टू द पावर इवन पॉजिटिव, ये बन गया 13, ये -32 और प्लस 20, तो देखो क्या बना, माइनस माइनस -33 और ये प्लस प्लस ऐड कर दें प्लस 33, ये आ गया 0। मतलब एक्स इक्वल्स टू -1 इज 10 ऑफ पी एक्स, ये एक 0 है पी एक्स का। तो एक्स इक्वल्स टू -1 0 है, तो एक्स प्लस 1 इज 1 फैक्टर, इज 1 फैक्टर। ये क्यूबिक है, इसका मैक्सिमम 3 फैक्टर्स होंगे, 1 फैक्टर हमें पता लग गया। सो नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल डिवाइड दिस, एक्स क्यू प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20 को एक्स प्लस 1 से डिवाइड कर दो। ओके व्हाट यू विल गेट, एक्स स्क्वायर पर लिखना पड़ेगा, एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर, नेगेटिव नेगेटिव दिस विल कैंसिल आउट, 13x² माइनस एक्स स्क्वायर 12x² प्लस 32x प्लस 20। सो 12x² और x है, क्या लिखें यहाँ पर 12x, तो यू विल गेट 12x² ओके प्लस 12x, सैनल चेंज कैंसिल आउट, व्हाट यू विल गेट हियर 20x प्लस 20 ओके। सो वी विल राइट 20 नाउ, सो दिस विल बी 20x प्लस 20, रेस्ट ऑफ द टर्म कैंसिल आउट, रिमाइंडर विल बी 0। दैट मीन्स इसके बाद देखना है, सेकेंड बोर्ड है, सेकेंड पार्ट, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, और थर्ड बोर्ड इज हियर। सो दिस इम्प्लाइज एक्स क्यू प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 इंटू x² प्लस 12x प्लस 20, दिस इज कोसेंट एंड रिमाइंडर विल बी 0। सो एक्स प्लस 1, नाउ वी विल फैक्टराइज x² प्लस 12x प्लस 20 ओके। सो वी विल राइट x² प्लस 2x प्लस 10x प्लस 20, सो एक्स प्लस 1 ओके इंटू, देखो क्या होगा, x कॉमन करो, x प्लस 2 यहाँ पर x कॉमन करो, 10 कॉमन करते हैं, x प्लस 2 आ गया। सो एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 10 ओके। यहाँ पर आप लिख दो एक्स क्यू प्लस 13x² प्लस 32x एंड प्लस 20। सो ये हम लोगों ने यहाँ पर इस तरीके से फैक्टराइज किया है क्यूबिक पॉलिनोमियल को। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने का अप्रोच क्या है, व्हाट अप्रोच वी शुड फॉलो टू फैक्टराइज क्यूबिक पॉलिनोमियल। फर्स्ट फैक्टर वी शुड फाइंड बाय हीट एंड ट्रायल अप्रोच, एक्स इक्वल्स टू 1 रखो, -1, -2, -2 रखो, किसी एक पर 0 आ जाएगा, एंड फ्रॉम देयर वी विल गेट आइडिया ऑफ वन फैक्टर, एक फैक्टर पता लग गया। देन आप गिवन पॉलिनोमियल को उस फैक्टर से डिवाइड करो, और डिवाइड करने के बाद डिवीजन एल्गोरिदम को यहाँ पर लिखो इस तरह से, पी एक्स इक्वल्स टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर 0 आएगा। तो यहाँ पर ऑब्वियस है वो फैक्टर है तो रिमाइंडर तो 0 ही आएगा, है ना, क्योंकि ये फैक्टर है। तो तुम्हें दूसरा जो फैक्टर है वो क्वाड्रेटिक आएगा, एंड देन वी विल फैक्टराइज दैट क्वाड्रेटिक, सो फाइनली वी विल गेट 3 फैक्टर्स। इट इज़ सो ईजी टू फैक्टराइज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, आई होप तुम्हें समझ में आया होगा ओके। तो सो टुडे आई विल अपलोड दिस एक्सरसाइज एंड इट्स आंसर की फॉर योर होमवर्क, आप घर में और प्रैक्टिस करना रेस्ट ऑफ द पार्ट, मैंने कोई 2 पार्ट यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, बाकी पार्ट आप खुद प्रैक्टिस करना ओके। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।